नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां एक युवक को साइबर क्रिमिनल ने अपना निशाना बनाया। इसी क्रिमिनल ने युवक पर क्रेडिट कार्ड हैक कर 97,000 रुपए का पार कर दिए, जिसको लेकर पीड़ित युवक ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। तो वहीं एसपी ने मामला साइबर सेल को सौंप कर जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। खबर बदायूं से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के मॉडर्न स्कूल में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ग्रामीण और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आयोजन में पुलिसकर्मियों के साथ जलपान करके सभी होली की शुभकामनाएं दी गई। खबर लखीमपुर से है, जहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की और फायरिंग करके कॉलेज के शीशे तोड़ दिए। वहीं छात्रों ने दहशत के चलते खुद को छात्रावास में कैद किया। बता दें कि घटना के बाद क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। खबर देवरिया से है, जहां न्यू जीवन रेखा हॉस्पिटल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने के आरोप लगाए और घंटों मृतक के शरीर को रखकर न्याय की मांग की। वहीं पुलिस ने पुलिस के घंटों मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला है, कैसे मौत हुई है? जैसे देखिए, मामला ये है कि रूबी सिंह, जो अभी आपके सामने ये मृत पड़ी हुई है, उनको आप लोग देख सकते हैं, हमारे मोहल्ले की ही कोई है, किरण नाम है उसका, और गुमराह आकर के इन लोगों को हॉस्पिटल में ले आई है, ऑपरेशन कराई है, और मरीज हमारा ओटी टेबल पे ही मर गया। और डॉक्टर कहे हैं कि इनको आस्था हॉस्पिटल ले जाइए, इधर ले जाइए, उधर ले जाइए। लोग घबरा के और परेशान हो गए हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब तक आस्था में हम लोग ले गए हैं, वो लोग कहें इसको तो मरे हुए, आधा घंटा हो गया। और जब हम लोग यहाँ आए हैं पूछने के लिए, तो यहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, ना कोई कर्मचारी मिला, और ना कोई मिला। और यहाँ मकान, ये आवासीय मकान है, ना यहाँ कोई डॉक्टर है, ना यहाँ कोई स्टाफ है, ना यहाँ मरीज भी थे दो, सब सत्य है। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, इस मौत की जिम्मेदार किसको मानते हैं? मौत की जिम्मेदार हम इस हॉस्पिटल को, इस संस्था को, इस डॉक्टर को मानता हूँ। और इसके साथ, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। अरे खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी नगर बदायूं के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन चोरी की बरामदगी और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जनपद बदायूं में लगातार चोरी की घटनाएं, जिसमें टू व्हीलर्स की ज़्यादातर चोरी हो रही थी, उस पर अंकुश लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21/3/2022 को रात्रि 23:00 बजे मंडी समिति पर प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स व चौकी इंचार्ज मंडी द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसको रोक कर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप यादव, निवासी फिरोजपुर इकलरी, थाना सिविल लाइंस का होना बताया। उसके निशानदेही पर चोरी की 6 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई है। पूछताछ पर उसने बताया कि उसके द्वारा जनपद बदायूं व आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल्स चोरी कर उनको बेचने का कार्य किया जाता रहा है। 6 मोटरसाइकिल्स का इंजन नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर उनको ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है। 3 मोटरसाइकिल्स ट्रेस हो गई हैं, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मिलावटी और नकली घी का कारोबार जोरों पर है। दुकानदार शुद्ध और असली देसी घी को दुकान पर मिलाकर लोगों को असली भी दे
देने का दावा करते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते बल्लभगढ़ के अंबेडकर नगर चौक के पास स्थित गोपाल जी और रमेश डेयरी पर मुख्यमंत्री उड्डयन दस्ते की टीम ने छापेमारी की। कई घंटे तक उड़न दस्ते के अधिकारी यहां पर बने रहे, घी की जांच करते रहे और बाद में उन्होंने मौके पर जीएसटी विभाग और दमकल विभाग के अधिकारियों को भी बुला लिया। फिलहाल अधिकारियों ने दुकान पर मौजूद घी की सैंपल लिया और अब सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया जाएगा। मेरे पास सीएम फ्लाइंग की तरफ से कांटेक्ट किया गया था और उनके पास कोई गुप्त सूचना थी कि यहाँ पर मिलावटी घी बनाया जा रहा है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए और उसकी सैंपलिंग करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इंटरेस्टिफाइड एडिबल फैट है, वनस्पति को भी हम घी नहीं बोल सकते। लोगों की बहुत ज़्यादा ये जो मिसकंसेप्शन रहते हैं कि वनस्पति को घी बोलते हैं, वनस्पति को भी हम घी कभी कंसिडर नहीं करते। आप कभी अगर हमारे साथ सैंपलिंग पर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हम जब सैंपलिंग करते हैं वनस्पति घी कभी नहीं लिखते, हम उसमें हमेशा वनस्पति ही लिखते हैं। इनका इंस्पेक्शन किया है, जितनी क्वांटिटी थी वो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दी है और हमने इनके सैंपल ले लिए हैं। अब जो आगे की कार्रवाई है रिपोर्ट आने के बाद। कितनी क्वांटिटी है और साफ सफाई की बात करें तो वो कैसी है? साफ सफाई के लिए इन्हें हमें निर्देश दे दिए गए हैं और क्वांटिटी इन्होंने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी है इनके पास और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है वही प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। देवरिया में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सलीमपुर थाना में 25 लीटर कच्ची शराब के साथ 200 शीशी विदेशी शराब कुल 15,386 लीटर शराब को मजिस्ट्रेट के सामने बुलडोजर से नष्ट किया गया। इस जनपद के थाना सलीमपुर के 234 मुकदमे जो एक्साइज एक्ट से संबंधित थे उसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में कुल 15,386 लीटर शराब, जिसमें लगभग 2,500 लीटर कच्ची शराब है तथा शेष 73,200 शीशियाँ विदेशी शराब, 13,176 लीटर जिसकी क्वांटिटी है, कुल क्वांटिटी 15,386 लीटर, वह माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में नियमानुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बुलडोजर लगा करके नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक प्रेमिका देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर जाना महंगा पड़ गया। लड़की के परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर रस्सी से पहले हाथ पैर जकड़ा, फिर उसको तब तक मारा जब तक उनका दिल नहीं बाहर आ गया। भयभीत दिल नहीं भर गया। गनीमत यह रही कि इसकी भनक पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गए। बता दें कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। आपका क्या नाम है? आपको किसने मारा? किस लिए? पानी डाले उसके बाद लौटा पीछे मार दिए यहाँ नंबरे बूढ़े में, उसके बाद गिर गया, फिर कमरे में ले गए वहाँ पर लौट मारा, फिर जान से मार ले जा रहे थे, बेहोश हो गया, कमरे में मर गए, फिर नहीं मारे उसके बाद पूरी रात कमरे में बंद किए थे। अमेठी में एमएलसी चुनाव में नामांकन के साथ ही प्रधान बीडीसी के खरीद फरोख्त के ऑडियो मामले में एक्शन लिया जा रहा है। ऑडियो मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सपा से एमएलसी प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पूरा प्रकरण क्या है? एमएलसी चुनाव के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में बातचीत की जा रही है और उसमें 50 लाख रुपये का रिश्वत ग्राम प्रधान और बीडीसी को देने की बात की जा रही है। इस ऑडियो के आधार पर जो कि थाने पर जगदीशपुर में एक तहरीर दी गई है, यह तहरीर भाजपा के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अनिल प्रजापति पुत्र श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति,
रामहित यादव उर्फ रामहित यादव सचिव समाजवादी पार्टी तथा तीसरे व्यक्ति हैं इजहार अहमद विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।